उत्तर भारत की ऐतिहासिक जनकपुरी महोत्सव का आयोजन इस वर्ष दयालबाग क्षेत्र में होने जा रहा है। विगत 48 घंटे पूर्व दर्पण न्यूज चैनल ने जनकपुरी क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर खबर प्रमुखता से चलाई थी। खबर चलने के साथ ही कमेटी के पदाधिकारी हरकत में आ गए और तुरंत ही विकास कार्य को प्रारंभ करा दिया। साथ ही जनक महल के सामने पसरी गंदगी को भी हटवा दिया गया है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध जनकपुरी महोत्सव का आयोजन इस वर्ष दयालबाग क्षेत्र में होने जा रहा है। अपनी अद्भुत छटा बिखेरने वाला जनक महल के निर्माण कार्य का भी कार्य जोरों से चल रहा है। कोलकाता से आए कलाकार दिन रात मेहनत कर जनक महल को भव्यता प्रदान करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पूर्व प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने जनकपुरी में विकास कार्यों को लेकर मुआयना किया था, तो जनकपुरी क्षेत्र में चारों ओर गंदगी के अंबार देखने को मिले थे, जो खबर दर्पण न्यूज चैनल ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी। खबर चलते ही जनकपुरी कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी हरकत में आ गए और शीघ्र ही क्षेत्र के विकास कार्यों को पूर्ण कराने में जुट गए। साथ ही प्रभु श्री राम माता जानकी जी जिस महल पर बैठकर शहरवासियों को दर्शन देंगे, महल के ठीक सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ था, लेकिन खबर चलते ही नगर निगम की टीम तत्काल जनक महल पहुंची और गंदगी को तुरंत साफ करवाया। फिलहाल जनकपुरी क्षेत्र में विकास कार्यों की गंगा बहती नजर आ रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।